इंडिया न्यूज से आज पुलिस कमिश्नर कार्यालय मौजूद हूँ मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पीड़ित की लाइन लगी ले है और पीड़ितों किस तरह न्याय दिलवा रहे हैं यहाँ के कमिश्नर मैं जान लेता हूँ आज जो पीड़ित हमारे बीच है मैं उससे जानकारी करता हूँ इनका क्या प्रकरण क्या मामला है क्या नाम आपका पिंकी क्या बात है पिंकी नाम है आज यहाँ पे कार्यालय में आई है पुलिस कमिश्नर कार्यालय में क्या काम है किस लिए आई है हम अपने न्याय मांगने आए हैं किस लिए न्याय मांगने आई क्या हुआ आपके साथ हमारे का इस हो गया था आज से डेढ़ साल पहले उनके साथ भी मारपीट देवर और सासू माँ करती थी इसीलिए वो उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली और जब हमने रिपोर्ट लिखानी चाहिए तो इन लोग सासू माँ और देवर बोलते हैं कि ऐसा ना करो हम शादी कर लेंगे तुम्हारे साथ और... आपके पति ने सुसाइड कर लिया है सुसाइड करने का कारण क्या था घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था ये लोग उनको मारते पीटते थे तो सर में में आपके ससुराल ससुराल जी देवर और किस बात को लेकर झगड़ा आपका आपके परिवार में होता था यही होता था कि अपने बच्चों को अपनी पत्नी को लेके यहाँ से चले जाओ घर से ये शादी जो आपने की थी ये लव मैरिज की थी अरेंज मैरिज की थी अरेंज मैरिज हुई थी लव मैरिज की थी नहीं अरेंज मैरिज ये अरेंज मैरिज शादी आपने की थी तो दोनों पक्ष की रजामंदी से शादी हुई होगी तो उसमें फिर क्या दिक्कत पैदा हो गई गयी उसमें ये बोल रहे थे कि ये कमाता धमाता नहीं है तो अपना यहाँ से अपना परिवार लेके कहीं चला जाए घर से क्या आपका खर्चा आपके परिवार वाले आप साथ उठा रहे थे नहीं वो ड्राइवर थे ट्रक ड्रा, ड्राइवर थे फिर क्या कर रहा था कि जब वो ड्राइवर थे कमाई करते थे उसके बावजूद क्या दिक्कत आई जो माँ बाप उनको अलग करना चाहते थे बस सर वो थोड़ा सा पीते थे पी लेते थे जब कभी पैसा भी देते थे इन लोगों को फिर भी बस ये बोलती थी, थी कि यहाँ मतलब अपना लेके जाओ अपना लड़का बच्चा और कहीं अंतर आपको क्या समस्या हो रही जो आप यहाँ कार्यालय में आई है क्या आप रहने वाली कहाँ की है मुजफ्फरपुर कहाँ पड़ता है ये थाना ककवन ये उत्तरीपुरा बिल्लौर के पास थाना ककवन उत्तरीपुरा के निकट एक रहता निकट इनका गांव है उस गांव की रहने वाली हैं इनका आज क्या पकड़ है आज जो आप यहां पे एक तकती लेके आई है, है जिसमें लिखा हुआ है मुख्यमंत्री जी हमको और हमको मेरे दोनों बच्चों को इच्छा मृत्यु दे, दे दी जाए पुलिस नहीं दी, पुलिस नहीं ले, पुलिस क्या कह रही है पुलिस हम वहाँ गुहार लगाई किससे लगाई जी पहले थाने गय, थाना गए थे चौकी भी गए तो चौकी में जो चौकी इंचार्ज है विनीत यादव वो हमारी सुनते नहीं और उल्टा हम ही को गलत बताते हैं वो उन्हीं लोगों के साथ मिले हुए हैं और जब उनसे कहते हैं तो वो बोलते हैं, तुम ही गलत हो जैसा कि नहीं 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 नहीं। ये परिवार अवगत करा रहा है कि पुलिस पे और पुलिस थाना दोनों वहाँ पर चक्कर लगा लगा के परेशान हो चुकी है वहाँ पे न्याय इनको नहीं मिल रहा है आज ये पुलिस कमिश्नर कार्यालय में आई है और यहाँ पे ये गुहार लगा रही है कि वो अच्छा मृत्यु दी जाए हाँ, हाँ क्या बता रही है यहाँ पे भी हम चौथी बार इस आए हैं बस यही पुलिस कहती है जांच की जाएगी जांच की जाएगी यहाँ से हमें भगा देते हैं हमारा ना तो मुकदमा लिखा जाता है ना हमारी कोई सुनवाई होती है करा रही नहीं, नहीं अभी तक मेरा मुकदमा लिखा गया और मैं चार बार यहाँ पे आ चुके हैं सिर्फ आश्वासन मिलता है और फिर आप जब यहाँ थाने यहाँ से भेजा जाता है फिर थाने में आपके साथ क्या सुल होता है थाने में बस वही कि वो वो भी आती है वो कहती वो हमारी सुनती नहीं है कोई बस यही कहते है वहाँ जाओ मुकदमा लिखे ऐसे नहीं लिखेंगे हम वहाँ से आदेश लेके और तब लिखेंगे यहाँ आते हैं तो कहते हैं जांच की जाएगी जांच की जाएगी ये देखिए यार डेढ़ महीने से हम चक्कर लगा रहे हैं यहाँ आते वहाँ आते हैं माँ बाप है नहीं हमारे अपने जैसा की अवगत करा रही है डेढ़ महीने से चक्कर लगा रहे हैं यहाँ के अधिकारी इनको आश्वासन देते हैं और चौकी में जब जब पहुँचते हैं तो वहा कहते हैं कि जाके अधिकारी के आदेश करा के लाओ जब तुम्हारी एफआईआर लिखी जाएगी और मैं देख रहा हूं बगल में के लक्का भी खड़ा हुआ इधर आइए इकलाका खड़ा हुआ है मैं इससे बात करता हूँ क्या नाम आपका अभिषेक अभिषेक आप तुम यहाँ पे आए हुए हो अपनी बहन को लेकर कमिश्नर कार्यालय में क्या प्रकरण है क्या जानकारी है आपको मैं इनको न्याय दिलाने आया हूँ ये मेरी बहन है बहुत मतलब दुखी रहती है इसीलिए मैं चार महीने से यहाँ पे दो महीने से दौड़ रहा हूँ बराबर लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जा रही आज भी आए मैंने कहा मेरा यहाँ बहन का मुकदमा लिखा जाए तो बोले हाँ हो जाएगा मैंने कहा अभी करवा दीजिए आदेश दे दीजिए तो मैं वहाँ जाऊँ थाने पर यही बात है फिर अधिकारी ने क्या आदेश दिए उन्होंने कि बोला कि हाँ मैं बोल रहा हूँ अभी फोन कर दूंगा तो आप वहाँ जाना क्या फोन किया उन्होंने अभी कोई पता नहीं चला अभी पूछा तो बोले हाँ अभी बता रहे हैं जैसा कि ये बोले बाहर जाइए अभी बता रहे हैं जैसा कि इनको आश्वासन दिया गया है कि मैं अभी फोन करूंगा थाने में आप देखना ये होगा ये इतने चक्कर लगा चुके हैं और आप आपकी शिकायत को मैं अगर यहाँ के आला अधिकारी और यहाँ के मुख्यमंत्री को अवगत करा दें कि जिस तरह से आप इच्छावृतु मांग के लिए आप यहाँ पे आए हुए हैं आप परमिशन मांग रहे हैं तो आप अगर आदित्य योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहेंगे तो क्या कहने जाएंगे आप मैं यही कहना चाहूंगा की तो मेरी बहन को नया दिलाई दिया जाए आप बताइए आप अगर आपको यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे उनसे आप क्या फरियाद करेंगे यही कि उनका मुकदमा लिखा जाए उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए देवर को और सासों का जैसा की इनका कहना है देवर और उनकी सास इन्होंने इनको इनका शोषण किया है परेशान कर रखा है इनको और अगली अपडेट में आप किसी ने पड़ा खड़ा कराएंगे तब तक ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राश्चे खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज के साथ मैं चीफ एडिटर अतर एंटी करप्शन से साथ में कैमरा मैन हरीफ जोरसिया नमस्कार हिंद सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बने रहें हमारे साथ